पंजाब सरकार वालों नगर निगम फगवाड़ा विखे भेजिया फलोर अते गुराया लई दो फायर ब्रिगेड दियां गड्डियां नूं लै के जाण दे चलदियां उस समय माहौल गर्मा गर्मी हो गया जदों आप अते कांग्रेस पार्टी दे विधायक अते हलका इंचार्ज समेत वर्करां विच तिक्खी नोकझोंक हो गई ते गल हत्थों पाई ते गाली गलोच तक जा पहुंची। इस दौरान वधीक डिप्टी कमिश्नर फगवाड़ा अते नगर निगम के कमिश्नर DSP SDM गुराया तो कार साधक अफसर की मौजूदगी में जम के हंगामा होया। दस दईए कि यह हंगामा फिलौर तो आम आदमी पार्टी की चोण लड़े प्रेम कुमार अते मौजूदा विधायक चौधरी बिक्रमजीत सिंह वालों पंजाब सरकार वालों फिलौर अते गुराया लई भेजियां दो फायर ब्रिगेड दियां गड्डियां नूं लै के जाण लई होया। हंगामे दौरान हलका फगवाड़ा तो आप नेता सरदार जोगिंदर सिंह मान भी अपने साथियों नाल मौके ते पहुँच गए ते देखते ही देखते हंगामा होर भी बढ़ गया जिस दौरान फलौर तो जिला प्रदर्शन मैंबर श्रीमती गुरप्रीत कौर सहोता ने फगवाड़ा तो आप ने जोगिंदर सिंह मान उपर गाली गलोच करन अते देख लैण दीआं धमकियां देण दे दोष लगाए। गुरप्रीत कौर सहोता का कहना है कि सरदार जोगिंदर सिंह मान अते फलौर आप नेता प्रेम कुमार जान बुझ के माहौल खराब कर रहे सन। उन्होंने दसिया है कि आप वर्कर नेतावान वालों उन्होंने पति नाल हथों पाई की गई। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पासों मांग की है कि वह अपने नेतावान महिलावान गल कर तरीका सिखाउन। उन्होंने कहा है कि उन्होंने वालों सरदार जोगिंदर सिंह मान प्रिंसीपल प्रेम कुमार उन्होंने वर्कर खिलाफ कार्रवाई करवाने लैके SP फगवाड़ा लिखती शिकायत देंदे सख्त कार्रवाई की मांग की है। फगवाड़ा तो शरणजीत सिंह सोनी की खास रिपोर्ट। सब की मामला जरा अच्छा अच्छा एक बहुत अनफॉर्चुनेट मन भाजपा एक इतने असी आए थे दोबारा कर रहे भी आ जाओ नगर कौंसल फलौर और नगर कौंसल गुराया नू पंजाब सरकार वालों दो फायर ब्रिगेड्स सेंक्शन हुई सी। उस सिलसिले में अज नगर कौंसल फलौर के प्रधान मतलब कौंसल गुराया के प्रधान इलेक्टेड मैंबर कौंसल के नाल असी इना फायर ब्रिगेड्स का असी पोजैशन लैन इतने आ जाए सी और बड़े शांतमय ढंग नाल ये प्रोसैस चल रहा सी और इस प्रोसैस के दौरान आम आदमी पार्टी के जिहड़े फलौर तो इलेक्शन लड़े है प्रेम कुमार जी और आम आदमी पार्टी के जिहड़े फगवाड़ा तो इलेक्शन लड़े है जोगिंदर मान जी वो उन्होंने आके इतने आके शोर और रौला पाउण दा सिलसिला शुरू किया और असी ADC जो कि कमिश्नर भी ने उन्होंने ऑफिस में उन्होंने जानकारी वास्ते उस दसन आए कि बाहर हुल्लड़बाजी हो रही है और फिर इन्होंने ADC दफ्तर में आके हल्ला बोलिया उत्थे आके इन्हां दे वर्करां ने गाली गलोच
और शोर शराबा करने का काम किया। और मैं समझता कि आज बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसीडेंट हुआ कि बड़े लंबा अरसा जिन्होंने सियासत की हो गई और इन्हें बुजुर्ग लीडर होन उन्होंने आज सारे अफसर की हाजिरी दे विच अपने सपोर्टर के नाल रल के जिथे गाली गलोच की उत्थे साड़ी जिहड़ी इलैक्टेड रिप्रजेंटेटिव है श्रीमती गुरप्रीत कौर सहोदा जिला परिषद मैंबर उन्होंने बहुत गंदियां गालां उन्होंने कढ़ियां और ये भी धमकी दी कि मेरा इलाका है तुसी बाहर निकलो मैं तुहानू दसदा। और ये सारा कुछ साडे मीडिया के साथियों ने भी रिकॉर्ड किया, साडी भी जिहड़ी सोशल मीडिया टीम से अंदर उसने भी ये सारा ऑन रिकॉर्ड रिकॉर्ड किया। इस सिलसिले में अज असी मिस्टर परमार जिहड़े कि इस दफ्तर के नाल ही इन्हों का दफ्तर है एस पी इतने जिहड़े फगवाड़ा दे उन्हां कोल एक कंप्लेंट दिती है कि इन्हां ते बनदी कार्रवाई की जाए, इन्हां ते एफ आई आर लॉन्च की जाए। और जोगिंदर सिंह मान इज मेन एक्यूज कल्प्रिट, उन्होंने बहुत ये माड़ा काम किया। और मैं तो तुहाडे राही सरदार भगवंत सिंह मान जी को बेनती करूँगा कि तुसी ये जिन्हें भी तुहाडे नुमाइंदे इलैक्शन जीते ने या इलैक्शन हार गए ने, खास तौर करके जो इलैक्शन हार गए ने उन्होंने कोई तुसी सिख्या दिओ, क्योंकि तुसी भगत सिंह जी की सोच से चलण की गल करते हो और भगत सिंह की सोच से चलण वाले औरतों का सम्मान उन्होंने करना सिखाओ। भगत सिंह की सोच से चलण वालों ये दसो भी जिहड़ियां धीआं भैणां ने उन्होंने भरी सभा दे विच जे तुसी मां भैण दीआं गालां कढूंगे तो फिर इहनूं भगत सिंह की सोच संघर्ष करना पिया। और बकायदा असी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जिहड़ी प्रीवियस गवर्नमेंट सी कांग्रेस की उस वेले ये प्रोसेस स्टार्ट होया और 13/7/2021 नूं सानूं ये प्रवानगी मिली। उस प्रवानगी दे तहत जदों हुण सरकार ने नवीं गड्डियां खरीदियां साडा जिहड़ा हल्का फलौर है उसकी जिहड़ी मंग है वो इन प्रोसेस सीगी और गवर्नमेंट ने वो अलॉटमेंट की, असीं धन्नवाद भी करते हैं मुख्यमंत्री साहब का। और मैं उन्होंने चिट्ठी भी लिखी क्योंकि पिछे जिहे साडे इलाके दे विच खेतों नूं अग लगी सी और बहुत फसल का नुकसान होया सी और साडी मंग नूं देखदे हुए और जिहड़ा साडा ऑलरेडी प्रोसैसड साडी मंग सीगी उस नूं अप्रूवल दित्ती गई और गड्डियां भेजियां गईयां और भेजिया हुई गड्डियां इलैक्टेड रिप्रजेंटेटिवस ही उसका पोजिशन ले सकते हैं। नगर कौंसल के प्रधान दोनों ग्राया के फलौर के और उत्थे दे ईओ और एमई जिहड़े उत्थे मौके पर मौजूद उसका पोजिशन लैन आए हैं, असी वो पोजिशन लैके हजे असी जाना ही सी तो इन्होंने आम आदमी के जिहड़े सो कॉल्ड वॉलंटियर लीडर एडीसी मैडम ने बहुत उन्होंने कोशिश की पैसीफाई करने की और पुलिस प्रशासन के जिन्हें भी अफसर से उन्होंने भी उन्होंने बहुत बेनतियां की हाथ जोड़े भी तुसी ऐसा काम ना करो, तुसी कानून नू अपने हाथ च ना लो। पर वो मेरा ख्याल हो बैठे ने जिहड़े नुमाइंदे इस लहर च हार गए जिहड़े जो 92 सीटां दी आ गईयां इस लहर च हार गए ये अपना मैंटल बैलेंस खो बैठे ने। और जो अज मान साहब ने किया आए मैं कहना भी ये अज तक असी कभी एक्सपैक्ट नहीं किया कि एडा सीनियर लीडर जिहड़ा होवे वो ऐसे शब्दावली वरते और असी माननयोग एस पी साहब को कंप्लेंट दी और आस करते हैं कि सरकार इन्हां ते एक्शन लेगी और बनती कार्रवाई। चौधरी साहब मान साहब का कहना है कि जिहड़ा भी जो भी अंदर होया जो भी घटिया उसके सारे जिम्मेवार उन्होंने तुहानूं दस रहे भी बिक्रमजीत चौधरी की वजह नाल होया सर। बिक्रमजीत सिंह चौधरी MLA फलौर है, फलौर के लोगों ने उन्होंने जता के भेजा है। मैं बतौर MLA अपने इलैक्टेड टीम के नाल इतने वो गड्डिया का पोजिशन असी उन्होंने दवाण आए सी और मान साहब का तो कोई संवैधानिक हक नहीं है, प्रेम कुमार का कोई संवैधानिक हक नहीं है और मान साहब का तो बिल्कुल भी कोई हक नहीं है। ये फलौर विधानसभा दियाँ फायर ब्रिगेड सगिया जिहड़ा नुमाइंदा फगवाड़ियों इलैक्शन लड़के हारिया है उसका की मतलब है कोई आके इतने रौला गौला पा। नहीं मैं समझता है कि ये जिहड़े आम आदमी पार्टी के जिहड़े वर्कर ने वॉलंटियर ने इन्हां नूं भगवंत मान जी नूं बिठा के समझाना पएगा कि एक संविधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है,
जिदे तहत सरकार चलदिया ने और जेडे इलेक्टेड रिप्रजेंटेटिव ने जो उन्होंने हक है वो उन्होंने ही मिल सकता है। सर थोड़ी गल ठीक है जी, इलेक्ट रिप्रजेंटेटिव आए हैं तो वो की क्लेम कर रहे हैं भी गड्डिया उन्होंने क्यों मिलनी है? वो तो कह रहे हो भंगड़े पा रहे जी उपर गड्डिया छत से खड़े होकर गड्डिया डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, कहें जी साड़ी सरकार है, साड़ी सरकार है। सरकार तो लोगों ने बनाई है आम आदमी पार्टी की, एक कोई उन्होंने कोई कुछ देख के, पर जो ये एटीट्यूड जो इन वतीरा तुसी देख रहे हो मैं समझता है कि बहुत निंदन योग है और बड़ी जल्दी ये अपना रूप दिखाने लग पे। अज ADC दफ्तर विखे जिहड़ा अंदर हंगामा होया है, की मामला सारा है? कोई हंगामा नहीं है, मैं चाहता सी कि जिहड़ियां गड्डियां है वो जिहड़े रिश्वत प्रेम जी लैके उन्होंने हैंड ओवर कीते जाण, फेर ते आ गए सी मैसेज आया सी मैच और मैं गड्डियां हैंड ओवर करा के यूर साहब नाल गल करके सारी गल मैं चला गया सी अपने काम रोटी खाधी, उस तो बाद मैं रोड जाने से किसे देखना सी। चौधरी बिक्रम चौधरी आए और उन्होंने जाके रश किया है और वो बड़ी उन्होंने धक्केबाजी का दूजा सब कुछ हुआ, चाबियाँ जोर लैटर जोड़े इस अपॉइंटमेंट वो लाए उन्होंने, तो मैंने इस गल की मैं एजिटेट सी कि सू इतने आकर खप नहीं पाने खेती जो भी सी फ्लोर जाके कर ली, लेकिन उत्थे उन्होंने इस सारे के बावजूद भी अपने आप में थोड़ा जहा कोशिश की और वो थोड़ी जी बोल बोल भी हुए, तो मैं समझा कोई ऐसी गल नहीं, मैं उन्होंने थोड़ा झिड़किया भी जे असी इतने काम करते हैं जिन्हें भी हल्का इंचार्ज है जो हारे हुए कैंडिडेट हैं वो सारे काम करते हैं, सारे काम इतने करते हैं सारे के सामने, कभी सानू एडमिनिस्ट्रेटर ने रोकया नहीं और इस मसले से भी तुम्हें इंटरफीर नहीं करना चाहिए, लेकिन वो बावजूद ही वो थोड़ी जी तौंस दास दिखाता है, थोड़ी गलबात हुई है, मैं कोई नहीं उन्होंने पैकल करता गया और शाम तक ज कल तक जो गड्डिया का फैसला 5 बजे दो गड्डिया मिली पहला उद्घाटन आप पार्टी वालों किया गया फ्लोर तो भी आए ग्रैंड तो भी आए तुम भी फवाड़ा तो नाम आम आदमी पार्टी दो बार उद्घाटन होना तो लगता भी क्रेडिट लैन के चक्कर दे विच मुड़ के कमिश्नर ऑफिस के अंदर काफी बहस हो गई। मैं समझदा कि जो चौधरी बिक्रम रहा जदों SMLA सी हल्का इंचार्ज सी कोई काम नहीं उसे कर दिता जो विधायक सन, तो वो मुताबिक अज भमो बिहेव एम ए बी MLA ना हो पर जो हक बनता वो रिश्वत प्रिंट बड़ी दो तड़ाक की गई आपस में बड़ी अंदर देखा गया थोड़े और बिक्रम जी चौधरी काफ़ी जी गर्मा नहीं मैं उन्होंने नहीं चाहता सी उन्होंने नहीं इंटरव्यू करना चाहिए सी फॉर इंटरव्यू करने उन्होंने लड़ नहीं सी इंटरव्यू अच्छा थोड़े ते एक लेडी ने आरोप लाए तुसी नहीं मैं उन्होंने गाड़ नहीं कटी मैं उस बीबा नूं गाड़ बिल्लू नहीं कटी मैं बिक्रम नूं छड़ गया ਨੋਟੇਨ ਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਬਿਕਰਮ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕੋ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਬਿਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਕਰਮ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਈ ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਿੱਠਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਆਂ ਹੈ ਗੁਰਾਇਆ ਫਲੋਰ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਭ ਤੱਕ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ 10 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਗੜਬੜ ਤੇ ਹੋਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਬੀ ਗਰਾਇਆ ਤਾਂ ਗਰਾਇਆ ਦੇ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਵਾੜੇ ਆ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਜਿੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਮਨੀ ਪੰਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਸ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਸੋ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਨਾ 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 ਨੋ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਚਾਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੋਨਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਹਰਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੀ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਿਕਰਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਵਾੜੇ ਆ ਕੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਖੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਵੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਭੈਣ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਚੜ੍ਹੇ ਵੀ ਆ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ADC ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਮੈਡਮ ਉੱਧਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਹਰੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ
उन्होंने अंदर आके गाली गलोच करनी शुरू कर दी। उन्होंने पहला विक्रमजीत भाजी नूं गाल कढ़ी और मैं उन्होंने यही पूछा कि तुसी गाल ना कढ़ो, देखो अंदर आपां सारा प्रशासन बैठा है, तुसी गाल कढ़ी। मैनूं कहिंदे तू कौन आ, मैनूं कहिंदे तू कौन आ भैण चोद दी। मैं उन्हें कहा हुण कर तू फिर गाल कढ़ी, कहिंदा मैं कढ़ी आ। देखो इन्होंने अज एक जनानी नूं कढ़ी गाल, क्यों कढ़ी आ? इन्होंने आह गल वार वार कही आ, कहिंदे तू कोई गल नहीं बाहर आ, बाहर देखना आ। बाहर की देखना आ कि साडी औरतां दी कोई सुरक्षा नहीं हैगी। कहिंदे कि साडी सरकार आ, तुसी की करन आए आ? क्यों साडी सरकार नहीं हैगी? अज मैनू गाल कढ़ी आ, कल होर मेरियां भैणां नाल भी इत्थे धक्केशाही होगी। इस मामले लागे हुण कित्थे कंप्लेंट कीती तुसीं? असीं इत्थे SSP दफ्तर कंप्लेंट दित्ती आ और मैं उन्हां ते बनदी कारवाई करवाउणी आ। देखो अज जे सरकार भगवंत मान दी आई, असीं उन्हां नूं माड़ा नहीं कहिंदे, बहुत वधिया चल रहे सरकार चल रही, पर उन्हां दे जिहड़े विधायक आ, असीं उन्हां नूं इह मैसेज देना चाहुंदी आ मैं भगवंत मान नूं, प्लीज इन्हां नूं सिक्ख्या दो, इह क्यों गंद खिलार रहे आ? जोगिंदर सिंह मान बार बार गालां कट रहा है, क्यों कट रहे आ? देखो ये गलत मैसेज आ। जोगिंदर सिंह मान तुसीं किस काम पहुंचे, किस काम सी आज? इत्थे असीं आए सीगे जो के फ्लोर अपने एरियन फायर ब्रिगेड दीआं गड्डियां मिल गईआं, उसके संबंध में शांतमई ढंग नाल कट्ठे होए सी, कोई पहला हल्ला नहीं। आम पार्टी वालिआं ने जो भी अज कीता उन्होंने गलत किया आ। देखो असीं एक बिल्कुल मैं ये गल नूं नहीं समझदी वी, देखो अज एक ना होया कल किसे होर लगे। जोगिंदर सिंह मान दे खिलाफ मैम, जोगिंदर सिंह मान नाल गल बात होई, ओह कहिंदे जी असीं मैडम नूं कुछ नहीं किया हैगा। नहीं ओह भाजी ओह मन्ने वी आ, ओह मेरे को पूरा रिकॉर्ड आ। उन्हां एक मिंट क्यों झूठ बोलदे हुण? सरदार बंदे हो के तुसीं रब नूं जान देणी आ, पहलां मन्निआ वी आ, क्योंकि सारा मीडिया भी अंदर सी, अफसर सारे जे अज किसी प्रेशर करके डरते चुप करनगे, मेरे को कैमरे च रिकॉर्ड आ। मैं फिर भी कहा तुसीं मैनूं गाल कढ़ी, कहिंदा हां कढ़ी आ, तूं दस। उस वेले दफ्तर च कौन कौन मैडम मौजूद सी? ADC मैडम सीगे, विक्रमजीत भाजी MLA साहब मेरे नाल सीगे, और DSP साहब मौजूद सीगे, और होर भी अपने अधिकारी प्रशासन सारे अंदर। ते की पुलिस प्रशासन मौके ते मौजूद सी, रोकन दी कोशिश नहीं कीती? उन्होंने बहुत कोशिश की आ, मैं उन्होंने रिस्पैक्ट करती, उन्होंने बहुत उन्होंने शांत करने की कोशिश की आ, वे तुसीं इदां ना करो, गाल ना कढ़ो, उन्होंने साडा पूरा साथ। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।